लखनऊ के हजरतग स्थित जीपीओ हर शनिवार शाम को संस्था द्वारा की जाती है। मेरा नाम मोहम्मद सदीक अखंडी है और मैं घुमंती समाज से कृषक जातियों का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और आज ये देश जो है, ये बापू जी के आंदोलन की वजह से देश को आज़ादी मिली थी। भारत के अंदर 6772 जातियाँ हैं। जब जंग हुई थी, आज़ादी हुई थी, 247 लोगों ने खून पसीना बहाकर देश को आज़ादी दिलाई। और आज देश जात से बढ़कर हमारा देश है, एक देश एक तिरंगा है। मुझे बड़ा दुख होता है, मैं मीडिया से भी अपील करना चाहता हूँ और मैं खुले मंच से शासन और प्रसारण चेतावनी देना चाहता हूँ। जो हमारे यहाँ पुलिसकर्मी बैठे रहते हैं, यहाँ लोग जूते पहन के आते हैं और यहाँ तक देखो पीपल लगा हुआ है। मैं यहाँ सरकार से और मीडिया से भी अपील करना चाहता हूँ कि इसकी आप लोग आवाज़ उठाएं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग क्रांतिकारी हैं। और आज तक किसी मुख्यमंत्री, किसी राज्यपाल को या किसी भी यहाँ हमारे प्रदेश के अधिकारी को दोनों आंखें फूटी किसी को नहीं दिखाई पड़ता है। इसलिए क्योंकि ये देखिए, ये पत्थर को चूने से पोता गया। अभी 26 तारीख को मुख्यमंत्री या राज्यपाल जी यहाँ आए थे, आप लोगों को जानकारी होगी। और इस गेरू को पोता गया, क्या उन लोगों को कितना नहीं दिखाई पड़ता है? इतनी आंखें फूटी हैं, क्या प्रदेश आदमी चलाएगा? क्या यही शिक्षा बापू ने दी थी? या इसीलिए कांग्रेस में इसीलिए आतंकवाद या इसीलिए सब आज़ादी गिरा गई थी कि उनके इस आश्रम को ही कितना गंदा किया जाता है? बताइए आज तक सूरत भाई जरा।